शास्त्री ये कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय जब हम किसी बड़े व्यक्ति, आदर योग्य व्यक्ति से बात करते हैं तो हम कुछ आदर योग्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वामी, जैसे प्रभु, जैसे हमारे सांसारिक जीवन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं आदरणीय, माननीय, अति माननीय, ये सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उन व्यक्तियों को हम उस ओहदे का आदर और सम्मान दे सके, और इसलिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में एक बड़ी ही विचित्र घटना हम सुनते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु लोगों के बीच में बैठकर उन्हें एक तथ्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद मसीह को दाऊद का पुत्र मानते हैं। हमारा विश्वास हमें बताता है कि यीशु दाऊद के वंशज से थे। यीशु जब संसार में आए तो मानवीय रूप लेकर आए, लेकिन उस समय जब हम विश्वास में कमज़ोर हुए, यीशु ने हमें अपने विश्वास को जीना सिखाया। ये उनकी विनम्रता थी कि ईश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो मनुष्य बनकर इस संसार में आए। लेकिन आज के सुसमाचार में लोग कुछ अलग ही विश्वास में थे, और इसलिए उनकी सोच को, उनके विचार को सही करने के लिए प्रभु आज बैठकर उन्हें समझाते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं। वे कहते हैं कि शास्त्री ये कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं, क्योंकि वचन में जैसा आज हम सबों ने सुना, बताया गया है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे प्रभु से कहा। ये एक जो संदर्भ दिया गया है, बातचीत या वार्तालाप दिया गया है, ये ऐसा हमारे जो बाइबल के स्कॉलर्स लोग हैं, जो विद्वान ज्ञानी लोग हैं, वह ऐसे बताते हैं कि ये एक बातचीत ईश्वर के साथ की जा रही थी, और प्रभु ने, मतलब ईश्वर ने मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु मतलब दाऊद का वर्णन, दाऊद की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं दाऊद ईश्वर का बड़ा प्रिय व्यक्ति था, क्योंकि वो बहुत धर्मी था। हालांकि उसने बड़े पाप किए, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति काफ़ी लगाव था, प्यार था, विश्वासी था, और इसलिए इस संदर्भ में ये बात की गई है। तो पूरा वचन अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। वचन इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूँ। तो इसका संदर्भ कुछ और था, और शास्त्री और फरीसी किसी और संदर्भ में इस बात को समझाते थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को और अधिक अच्छा और सच्चा बनाने के लिए हमें पवित्र बाइबल का पठन करना ज़रूरी है। पवित्र बाइबल को केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ हम नहीं समझ पाते, उसे गहराई से समझने के लिए इधर उधर चीज़ों को ढूंढना है। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में जगह जगह पर कई सारी जानकारियां दी गई हैं। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हमारे विश्वास को समझे और ईश्वर की उपस्थिति को या ईश्वर के अस्तित्व को भी जाने, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा अधिक परिश्रम करके हम इन चीज़ों को प्राप्त करें, इन चीज़ों का खोज करें, और तब जाकर हमारे विश्वास में भी हम वृद्धि पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक महान पर्व हम मनाते हैं, यीशु के अति पवित्र हृदय का पर्व। आज महीने का पहला शुक्रवार भी है, और इसलिए आज का ये दिन हम प्रभु के पवित्र हृदय को समर्पित करते हैं। विशेषकर जैसा हम जानते हैं कि जून महीना पवित्र हृदय को समर्पित महीना है। पवित्र हृदय की भक्ति हमारे घरों के लिए काफ़ी आवश्यक है, और इसलिए पवित्र हृदय के जो चित्र पे हमेशा लिखा जाता है कि जिस घर में भी इस चित्र को रखा जाएगा, उस घर को प्रभु आशीर्वाद और कृपाओं से भर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र हृदय हमारे लिए छेदित हुआ, ईश्वर का पवित्र हृदय हमारे पापों के कारण छेदित हुआ, फिर भी वह हमसे अथक प्रेम करता रहता है। इसलिए प्रभु के पवित्र हृदय के प्रति जो हम समर्पण अपना और अपने परिवार का करते हैं, वह विफल नहीं होता, लेकिन प्रभु की आशीष सदा हम सबों के साथ बनी रहती है। इसलिए आज इस महीने के पवित्र पहले शुक्रवार के दिन जब हम आज पवित्र हृदय का पर्व मना रहे हैं, पवित्र हृदय के चरणों में अपने को, अपने घर को, अपने परिवार को समर्पित करें।
ईश्वर का पवित्र हृदय केवल एक प्रेम की निशानी है और वही प्रेम का प्रचार प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किया। जैसा वचन में प्रभु हमसे कहता है कि सबसे पहली और बड़ी आज्ञा कौन सी है, कि ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही प्रभु की सबसे बड़ी और पहली शिक्षा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रभु के द्वारा चुने हुए बुलाए गए व्यक्ति विशेष है। हमें क्रिश्चियन होने का गौरव मिला है, तो आइए इस गौरव को हम बरकरार रखें। हम प्रेम की भाषा सीखें। प्रभु ने जो हमसे अथक प्रेम करके अपने हृदय को हमारे प्रेम के लिए, हमारे लिए छेदित कर दिया, क्या हम उस प्रेम में ना बढ़े? चाहे संसार हमसे कितना ही बैर करे, हम प्रेम की भाषा सीखें, क्योंकि प्रेम से हम काफ़ी हृदयों को जीत सकते हैं। तो आइए आज ईश्वर से, आज विशेष दिन में, इस पवित्र हृदय के दिन में प्रभु से हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए विशेष आशीष मांगें।